हेलो भाई, मेरा नाम अजय राठौर। आज का हमारा टॉपिक है लिप प्रिंट। लिप प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। लिप प्रिंट होता क्या है, उसके कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लिप प्रिंट का टॉपिक है तो लिप प्रिंट होता है यानी लिप प्रिंट एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि एक फिंगर प्रिंट होता है ना, उसका यूनिक जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरह जो लिप प्रिंट होता है उसके अंदर भी अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अपना लेंस ग्रूव्स होते हैं, जो कि एक जो लिप प्रिंट है उसको एक इंडिविजुअल बनाता है हर एक इंसान से। अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लिप प्रिंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ लिप प्रिंट पहला था लेटेंट प्रिंट, पैटर्न प्रिंट और प्लास्टिक प्रिंट। पेपर में सबसे पहले बताएंगे कि लेटेंट प्रिंट क्या होता है। लेटेंट प्रिंट वो प्रिंट होता है जो दिखाई नहीं देता, उसको देखने के लिए आप किसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा या कुछ टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि उसका अपन डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, फिर अपना होता है पैटर्न प्रिंट। पैटर्न जो लिप प्रिंट होता है उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए आप जो आपको नज़र आ रहा है वो पैटर्न होता है। और प्लास्टिक प्रिंट क्या होता है कि प्लास्टिक जो प्रिंट होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अपने साबुन पे जो मिल रहा पैटर्न प्रिंट जो भी हो उसको रखता है। इसके लिए आप कलेक्शन मेथड क्या हो सकती है, अगर एक लिप प्रिंट हो तो उसके लिए सेवरल मेथड है। जैसे कि अपना टेप लिफ्टिंग मेथड होती है, पाउडर मेथड होती है, तो अपन वो देखते हैं उसमें। लिप प्रिंट कलेक्शन करने के लिए फॉरेंसिक किट का यूज़ किया जाता है। जो फॉरेंसिक किट होती है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपना टेप होती है, मैग्नेटिक पाउडर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर होते हैं जो लिप प्रिंट कलेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक किट के अंदर डिफरेंट मटेरियल होता है, जैसे पाउडर है, ब्रश है, टेप है, जो भी कलेक्शन करने के लिए लिप प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है वो जो लिप प्रिंट का कलेक्शन करने के लिए अगर वहाँ पर लेटेंट प्रिंट हो और ब्लैंक पेपर पे हो तो वो कैसे करना वो हमें पता होना चाहिए। जिस सरफेस पे लेटेंट प्रिंट हो और वहाँ से हमें उस लिप प्रिंट को ऑब्टेन करना है या कलेक्शन करना, तो उसके लिए हमें डिफरेंट पाउडर यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उस लिप प्रिंट को ऑब्टेन कर पाएंगे और उसका कलेक्शन कर पाएंगे फॉर फॉरेंसिक पर्पस के लिए और इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके लिए हमें ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा, पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा, फिर उस जगह पर हमें पाउडर का यूज़ करके हम लेटेंट प्रिंट जो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कलेक्शन करने के लिए हमको ब्रश चाहिएगा, जिससे वहाँ पर जो लेटेंट प्रिंट है वहाँ पर उसको ईजीली अपन उस ब्रश से ऑब्टेन कर पाएंगे प्रिंट, जिससे हम क्लियर विजिबल देख सकते हैं। जिस जगह पर लेटेंट प्रिंट है वहाँ पर उसको पाउडर डालने के बाद हमें ब्रश की हेल्प से उसको रोटेट करना है और धीरे धीरे आपको घुमाना है, जिससे कि वह लेटेंट प्रिंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो और हमें एक क्लियर विजिबल लेटेंट प्रिंट मिल सके। अगर पेटेंट प्रिंट हो जैसे लिप प्रिंट का, तो उसके लिए हमें कलेक्शन के लिए जो ज़रूरत है सामान, जैसे कि सीजर है, टेप है, पाउडर होता है, ये हमें लिपस्टिक है जिसकी हेल्प से हम उसको ऑब्टेन करते, वो रिक्वायरमेंट है उस पर्पस के लिए फॉर लिप प्रिंट कलेक्शन के लिए। जो पेटेंट प्रिंट है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें एक सीजर, टेप को उस जगह पर स्टिक करना और उसके बाद वो जो प्लेस है वहाँ से उसका का कलेक्शन कर लेंगे और फिर फॉरेंसिक एनालिसिस पर्पस के लिए उसको फॉरेंसिक लैब में भेज देंगे।